सैदुला जाप वार्ड 71S के निगम पार्षद संजय ठाकुर के द्वारा सफाई कर्मचारियों के बैठने के लिए बिल्डिंग का नवनिर्माण कराया गया। जी हाँ, नवनिर्माण कार्य जो है वो सैदुला जाप वार्ड के निगम पार्षद संजय ठाकुर के द्वारा कराया गया, जिसका कि आज उद्घाटन जो है संजय ठाकुर ने किया। जी हाँ, संजय ठाकुर लगातार अपने वार्ड में जो है निगम के कामों के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, निगम कर्मचारी जितने भी हैं उनके उठने बैठने के लिए ये इस बिल्डिंग का जो नवीकरण है वो संजय ठाकुर के फंड के द्वारा कराया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सैदुला जाप वार्ड 71S की, जहाँ पर स्थानीय निगम पार्षद संजय ठाकुर के द्वारा इस कार्य को कराया गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस बिल्डिंग का जो है नवीकरण हुआ। उसके बाद इसका जो नवीकरण करने के बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के बाद इस बिल्डिंग का जो उद्घाटन है वो कर दिया गया, जिससे कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बेहद सहूलियत मिलेगी। जी हाँ, उनकी सहूलियत के ध्यान में रखते हुए ये कार्य जो है निगम पार्षद संजय ठाकुर के द्वारा कराया गया। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज यहाँ पर आप उद्घाटन किए, किस चीज का जो है उद्घाटन किया गया यहाँ पर बताएं। देखिए, इस देश में अभी तक सफाई कर्मी पे ध्यान नहीं दिया गया और दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी को अगर साफ सुथरा किया है तो सफाई कर्मी किया है। खास के मैं अपने वार्ड में 104 पार्षद में तीसरा इसलिए आया हूँ कि हमारे सफाई कर्मी कोरोना काल में लॉकडाउन में सब भीतर थे, लेकिन हमारे सफाई कर्मी दिन रात सेवा करते रहे हैं। पूरा कर जहाँ पड़ा रहता था उसको निकाले। ये मकान जो था 15 साल पुराना मकान था, हमने ये किया कि हमारे जो सफाई कर्मी दिन रात लगे रहते हैं, हमने मेंटेनेंस यही को हम धन्यवाद करते हैं भूपिंदर जी को, और एसआई हमको ये जयपाल ने कहा और मैं देखा तो यहाँ बाथरूम बनवाए हैं, कमरा बनवाए हैं, सफाई कर्मी आराम से पंखा लग के आराम से रेस्ट भी कर सके, बाथरूम जाना हो ये चीज कर पाए। और साथ साथ यहाँ इग्नो रोड के लिए रास्ता जाता है, यहाँ बेंच भी लगवा रहे हैं, किस किनारे में कोई पैसेंजर है जो बैठे रहने के लिए बेंच रहेंगे, थ्री व्हीलर वाला लोग हैं जो खड़ा रहता है तो थोड़ा देर आराम करता रहेगा, तो साफ सुथरा और करेंगे।